confused with which oil to use? Well, I'll say it's not that hard to choose. आजकल हर जगह refined oil का usage बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जबकि refined oils health के लिए बहुत harmful हैं. These oils are heat pressed, which makes them the worst. Firstly, oil is extracted at a very high temperature using chemicals, जिसकी वजह से सारे healthy nutrients lost हो जाते हैं and the fats become trans fats, which again health के लिए बहुत harmful हैं. Further steps में न्यूट्रलाइज करने के लिए फिर से केमिकल्स डाले जाते हैं एंड देन प्रेजर्वेटिव्स टू. दैट इज व्हाई ऑल रिफाइंड ऑयल्स आर अ बिग नो नो. ऑल्सो डोंट रन बिहाइंड द वेस्टर्न ट्रेंड्स, दैट इज ऑलिव ऑयल्स. ऑलिव ऑयल डेफिनेटली हेल्थ के लिए अच्छे हैं, बट इज नॉट मेंट टू बी हीटेड लाइक वी डू इन द इंडियन कुकिंग. ऑलिव ऑयल सैलेड ड्रेसिंग्स के लिए बेस्ट है, बट लाइट हीटिंग पर भी अपने हेल्थ बेनिफिट्स लूज कर देता है. सो वॉट इज द ऑप्शन? बींग एन इंडियन एंड कंसिडरिंग आर कुकिंग स्टाइल, देर आर अ लॉट्स ऑफ ऑप्शंस लाइक मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, सेसमे ऑयल एंड ग्राउंडनट ऑयल. ये ऑयल्स बहुत ईजीली अवेलेबल होते हैं एंड दैट टू एक्सट्रैक्टेड बाय द कोल्ड प्रेस्ड मेथड्स. एंड द बेस्ट ऑफ ऑल इज घी. वेस्टर्न कंट्रीज में घी का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है एंड दिस इज वॉट दे कॉल एज क्लेरिफाइड बटर. लिविंग इन इंडिया वी आर ऑलरेडी लकी कि घी इज बींग यूज ट्रेडिशनली फॉर सेंचुरीज ओवर हेयर. घी को रोटी के ऊपर लगाकर सब्जी या दाल में डाल के खाने से भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं. सो दैट वॉज इट फॉर टूडे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें.